शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा है कि नई शिक्षा नीति पर राजस्थान में तेजी से काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग नई नीति के अनुसार पाठ्यक्रम व अन्य तैयारियां कर रहा है। हमारे संवाददाता मुरारी गुप्ता से विशेष बातचीत में शिक्षा मंत्री ने कहा कि तृतीय श्रेणी अध्यापकों की स्थानांतरण नीति लंबे समय से लंबित है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में मंत्रिमंडल द्वारा निजी बनाने के नीति बनाने के बाद कार्यवाही की जाएगी। विधानसभा सत्र के दौरान कांग्रेस द्वारा उन पर लगातार दबाव बनने से जुड़े एक सवाल के जवाब में शिक्षा मंत्री ने कांग्रेस पर दलित विरोधी मानसिकता का आरोप लगाया। राजस्थान में शिक्षा विभाग में लगातार नए नवाचार किए जा रहे हैं, जिसके माध्यम से शिक्षा का स्तर कैसे ऊपर उठा जाए, इस पर काम किया जा रहा है। शिक्षा से जुड़े तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हैं राज्य के शिक्षा, संस्कृत शिक्षा और पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद सर। सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहते हैं कि शिक्षा विभाग जैसे आपने संभाला, किस तरह के नवाचार अपने डिपार्टमेंट में आपने पिछले कार्यकाल में 7-8 महीनों में किए? मैंने विशेष कोई नवाचार नहीं किया, लेकिन जो पहले से ही सरकार के दिशा निर्देश गाइडलाइंस है उसको सख्ती से लागू कराकर और डिपार्टमेंट को हम चुस्त और दुरुस्त करना चाहते हैं। सर, अगर बात करें महात्मा गांधी स्कूल को लेकर हिंदी माध्यम करने का अब फिर से क्या जा रहा है, इससे पहले वो इंग्लिश मीडियम में थी, तो इसको लेकर क्या स्थिति है और क्या मंशा है अपनी? मेरी मंशा बहुत अच्छी है, क्योंकि कांग्रेस ने जो काम किया है और राजस्थान के बच्चों के साथ ज्यादती की है, महात्मा गांधी विद्यालय खोले नहीं है, उनका नाम परिवर्तित किया है। नाम परिवर्तित करने के बाद जो बच्चे अंग्रेजी पढ़ना चाहते थे और जो लोग हिंदी पढ़ना चाहते थे, तो अंग्रेजी वाले तो उस भर्ती हो गए, हिंदी वाले जाएंगे कहाँ? तो इस कारण से कई विद्यार्थियों ने पढ़ाई छोड़ दी है, और क्योंकि अध्यापक इनके पास थे नहीं, तो उसी हिंदी विद्यालय के आधे अध्यापक यहाँ डाल दे, आधे अध्यापक यहाँ डाल दे, तो हिंदी पढ़ने वाला बच्चा ही बर्बाद हुआ, हिंदी विषय पढ़ने वाला ही बच्चा बर्बाद हुआ। यानी राजस्थान के विद्यार्थियों के सामने इस कांग्रेस की तत्कालीन सरकार ने एक अंधकार जैसा वातावरण कर दिया है। यानी ऐसा लगता है कि कांग्रेस राजस्थान के विद्यार्थियों की दुश्मन है, इनको अनपढ़ रखना चाहती है, और इस प्रकार से षड्यंत्र किया कि अंग्रेजी स्कूल खोलो, अंग्रेजी परिवर्तित कर दिया, हिंदी वाले बच्चे कहीं के नहीं रहे, और इधर स्कूलों का भवन नहीं है, हम अंग्रेजी माध्यम के टीचर नहीं दिए, तो राजस्थान के विद्यार्थियों के सामने अंधकार ही अंधकार है। कोई उनको आशा की किरण महात्मा गांधी विद्यालय से लगी ऐसा नहीं है, जब तक उनमें प्रॉपर अंग्रेजी पढ़ाने वाले अध्यापक न हो, जब तक वहाँ पर्याप्त भवन न हो, तब तक कोई अर्थ नहीं है। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को पूरी तरह से लागू करें, और पूरी तरह से लागू करते तो प्रारंभिक शिक्षा हमको हिंदी रहे, लोकल भाषा में देनी पड़ेगी। हम कोशिश करेंगे। कांग्रेस के लोग तो उसका विरोध करेंगे, मैं जानता हूँ, उन तो भगवान राम के मंदिर के निर्माण का विरोध किया, धारा 370 लागू करने का विरोध किया। कांग्रेस के लोग हर राष्ट्रीय गतिविधि के विरोध में रहते हैं। आपने कांग्रेस की बात की, तो आप लगातार अकबर और प्रताप वाला मुद्दा बिल्कुल लगातार चलता रहता है, आप लोग प्रताप, महाराणा प्रताप महान है, वो लोग हमेशा इसका विरोध करते रहे, तो ये मानसिकता क्या है और इसको किस तरह ठीक किया जा सकता है? हर कार्यकाल में ये मुद्दा हमेशा आता है। ये गुलामी की मानसिकता है कांग्रेस की, और इसीलिए जो ऐसे लोग हैं जो मुगलों के चाटुकार रहे, जो मानता हूँ कि आतंकवाद को अच्छा मानते हैं, क्रांतिकारी जैसे वीर सावरकर बंधु थे, चापेकर बंधु जिनके नाम जाना जाता है, वह हैं,
उनका इन्होंने हमेशा विरोध किया। वीर सावरकर जी श्रेष्ठ क्रांतिकारी थे जिन्होंने दो जीवन का कारावास सुना और भोगा और 40 साल जेलों में रहे। उसके बारे में कांग्रेस का ये कहना कि अंग्रेजों को पिट्टू थे, माफी मांगी थी, जो वीर सावरकर के बारे में, देशभक्ति के बारे में नकारात्मक चर्चा करते हैं। सर फिर से स्कूल पर आते हैं, विवेकानंद मॉडल स्कूलों को आप लोगों की बीजेपी सरकार ने उनको शुरुआत की थी, पर बीच में जो कांग्रेस सरकार थी तो उन्होंने इस पर बिल्कुल कोई ध्यान नहीं दिया गया था। अभी आप लोगों की क्या इसको फिर से रिवाइव करने की योजना है? देखो, मैंने पहले भी कहा, अभी भी कह रहा हूँ, जितने भी चाहे किसी भी कैटेगरी के हमारे विद्यालय हों, उनको अच्छे प्रकार से सरकार के दिशा निर्देशों में चलना चाहते हैं, और जहाँ कोई ऐसा बाधक बनता है, कोई बिंदु या कोई नियम, उसको तोड़ेंगे यानी परिवर्तित करेंगे। लेकिन हम छात्रों की हित की कीमत पर और कोई काम और कोई बात नहीं करना चाहता। हमारा सर्वोपरि हित है छात्रों का हित। जो थर्ड ग्रेड टीचर हैं सर, लंबे समय से, शायद तीसरा कार्यकाल चल रहा है, वो जो डार्क जोन में है, तो लंबे समय से डार्क जोन में है। लगातार पॉलिसी की बात होती है कि ट्रांसफ़र पॉलिसी बनेगी, एक बहुत बड़ा समूह है थर्ड ग्रेड टीचर का, क्या आपका विजन है सर इस पॉलिसी को लेकर? देखो, थर्ड ग्रेड टीचर जब लगे तो उनको ही पता था, सबको पता था, राज्य पता है कि वह उसी जिले के लिए लगे हैं, और थर्ड ग्रेड के टीचर्स का ट्रांसफ़र जिले के बाहर नहीं होता है, सब जानते हैं। अब वो मांग कर रहे हैं कि हमारे जिले के बाहर किया जाए, तो जब तक पहले वाला आदेश निरस्त ना हो तब तक ये संभव नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी यदि मंत्रिमंडल में निर्णय लेकर कोई अलग निर्णय लेते हैं तो अलग बात है, उनका स्वागत करेंगे और कोशिश करेंगे कि उनके निर्णय के आदेश की पालना हो। इस दौरान बहुत सारी प्रतियोगितियाँ भी हुई हैं, आप लोगों ने दावा किया था कि एक भी प्रतियोगिता नहीं होगी, लेकिन बहुत सारी प्रतियोगितियाँ हुई है, लगातार समाचार भी आए, विवाद भी। ये सच है कि हमने प्रतियोगितियाँ की है, हम न तो इसको छुपा रहे हैं न कुछ कर रहे हैं। मैं समाज कल्याण मंत्री हूँ, मुझे ये तो देखना पड़ेगा कि जो ऐसे असहाय लोग हैं, जैसे दृष्टिबाधित लोग हैं 100%, जैसे 100% मुकबधिर लोग हैं, 90% आर्थोपेडिक दिव्यांग लोग हैं जिनके पैर नहीं है, चल नहीं सकते, क्या उनको उनका इच्छित स्थान या जहां वो उचित समझते हैं वो स्थान देना उचित नहीं है? ऐसे में सैकड़ों लोगों की है और सैकड़ों लोगों को और करूंगा, क्योंकि मेरे पास 3% दिव्यांग लोग हैं, पर मेरी सहानुभूति है जो लाचार है आँखों से, जो लाचार है सुनने से, ऐसे सब लोगों के प्रति मेरी सहानुभूति है। सर, नई शिक्षा नीति को लेकर पिछले 2020 में जब से शिक्षा नीति बनी, लगातार काम उस पर किया जा रहा है, राजस्थान में भी लगातार काम हो रहा है, कितनी प्रोग्रेस नई शिक्षा नीति में हुई है और क्या हमारा लक्ष्य, कब तक हम इसको हर क्लास के स्तर पर उतार देंगे? देखो, नई शिक्षा नीति हमारी बहुत सोच समझ के, बहुत सारे विद्वानों ने इसमें भाग लेकर के और लाखों लोगों के सुझावों के बाद बनाई गई है। और इसमें सबसे बढ़िया जो बात है कि प्रारंभिक शिक्षा वो लोकल भाषा और मातृभाषा में होनी चाहिए, क्योंकि बच्चा अपनी भाषा में, जो माँ के पेट से बाहर आता है, जब उसकी उसका घर के लोग की जो भाषा है उसमें धीरे धीरे जल्दी सीखता है। और इसीलिए बहुत विद्वान लोगों ने ये निर्णय किया कि मातृभाषा में होनी चाहिए। परंतु ये जो शिक्षा है आ रही है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ये रोजगार परख है, यानी जब हमारा स्टूडेंट बारहवीं के बाद पास होकर निकलेगा तो किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है, नौकरी मिली तो ठीक, नहीं तो खुद अपना व्यवसाय करके अपना परिवार का पालन कर सकता है, इतना दक्ष हम बना देंगे। तो हमारी कोशिश है कि हमारे जो पूज्य गुरुजी ने अपने काम में दक्ष रहें, ताकि कुछ छोटा मोटा काम चल भी सके, कुछ पैसे भी जुटा सके। सर, प्राइवेट स्कूलों में जो एक फीस का मामला रहा है, लगातार कई सालों से जो पेरेंट्स हैं उठाते रहे कि फीस को लेकर कि बहुत ज़्यादा फीस है, सरकार को इसका रेगुलेशन करना चाहिए, क्या सरकार इस दिशा में कुछ सोचती है, आपका डिपार्टमेंट इस दिशा में कुछ सोचता है? देखो, आप जो बात कर रहे हैं फीस के बारे में, मेरा अनुमान है
कि 97.3% विद्यालय 15,000 से कम फीस लेते वार्षिक, 2.7% ऐसे हैं जो वार्षिक फीस नहीं मंथली फीस लेते हैं, उनकी फीस बड़ी भी होती है। परंतु कुल मिलाकर मैं कह सकता हूँ कि राजस्थान में शिक्षा महंगी नहीं है, और कुछ महंगी है तो फिर क्या हमारा कुछ पर ध्यान जाता है, जैसे 2% बड़े लोग हैं, बड़े विद्यालय उन पर जाता है, परंतु 97.7 तो एक तरह से निःशुल्क सेवा कर रहे हैं, 10,000-15,000 रुपये लेना बड़ी बात नहीं होती है, ये कर रहे हैं। मैंने अधिकारियों से बातचीत की है, अफसरों से बातचीत की है कि हम शिक्षा नीति को अक्षर से पालन करेंगे, उसका लागू करेंगे, ताकि बच्चों का जो है जब वो 12वीं पढ़ने जाते हैं, एक कॉलेज में पढ़ने जाते हैं, तो इनका फर्स्ट ईयर हो गया, उनका फर्स्ट ईयर पास कर लिया, किन्हीं कारणों से उनको विद्यालय छोड़ना पड़ा, तो उसका जब दोबारा पढ़ने आएगी दूसरे साल वो, तो उसका फर्स्ट ईयर निरस्त हो जाएगा, यानी है ही नहीं फर्स्ट ईयर, फिर फर्स्ट ईयर पढ़ना पड़ेगा। हम उसमें कोशिश करेंगे नाम डाल रहे नियमों में कि उसका भी उसको लाभ हो, उसका डिप्लोमा का सर्टिफिकेट उसको मिले। सर अभी जिस तरह की लड़कियों के साथ दुष्कर्म के मामले आ रहे हैं, महिलाओं के साथ, तो हमने क्या कुछ ऐसा स्कूलों के लिए कुछ सोचा है कि बच्चों लड़कियों को सेल्फ डिफेंस की शिक्षा मिले, लड़कों को कुछ नैतिक शिक्षा मिले, जैसे आपने सूर्य संस्कार जैसा अभियान भी शुरुआत किया, इसको लेकर कुछ स्कूलों में कुछ प्रयोग ऐसा कुछ सोच रहे हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए और बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए? हम बच्चों को लैपटॉप दे रहे हैं, 56,000 टैबलेट दिए हमने एक ही दिन में, राजस्थान के जो पात्र छात्र थे लैपटॉप लेने के, उनके पास हाथों में पहुंच गया है। आपको सुनकर भी आश्चर्य होगा कि हमारी जो पाठ्य पुस्तक बच्चों को पढ़ाने वाली, वो कई माह तक बच्चों को उपलब्ध नहीं होती थी, बच्चे परेशान रहते थे कैसे पढ़े, लेकिन माने भजन लाल जी शर्मा के नेतृत्व में पहली बार हुआ है कि बच्चों को उनकी पाठ्य पुस्तकें 5 जुलाई को उनके हाथों में चली गई, यानी 3,58,00,000, ये पहली बार हुआ है। ऐसे बहुत काम है जो हम लोग कर रहे हैं। हमने कहा कोई भी शिक्षक विद्यालय में मोबाइल लेके नहीं जाएगा तो उसे डिस्टर्बेंस नहीं होगा। मैंने हमने ये भी कहा कि 17 ये जो पास होते हैं ना बच्चे, तो उनको ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि 33% नंबर लाओ तो पास हो गया, तो कहता 20 तो मिले आऊँगा वहाँ के चुनाव लड़ने वाला, 13 तो एक। तो हमने कोशिश की कि जितने नंबर वो 17 अंक में देंगे उसका आधा नंबर उनको थ्योरी में भी देना पड़ेगा, या उसकी काबिलियत ये हो तभी बच्चा पास हो सकेगा, नहीं तो पास नहीं होगा। ऐसे कई नवाचार जिसको कह सकते हो हमने किए हैं। सर अभी पिछले दिनों विधानसभा में देखा कि आप कांग्रेस लगातार आप पर हावी होती रही और आपसे माफ़ी मांगने की बात करती रही, क्या सर आपको लगता है कि एक दलित समाज के प्रतिनिधि होने के नाते ये सब टारगेट आपको किया गया था? ये तो कांग्रेस की नीति रही है कि दलित लोगों का दमन कैसे कर सकते हैं, लेकिन मेरा नहीं कर सकते, और मैं चोर उचक्कों के चक्कर में आता भी नहीं, और कोई चोर उचक्के आतंकवादी की बात करने वाले या उन पर विश्वास रख करने वाले कोई ऐसी बात करते तो उसको उसकी चिंता कभी नहीं करता। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। ये थे मदन दिलावर जी, जो आपको बता रहे थे किस तरह उनका विजन शिक्षा विभाग को लेकर है।